पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली एसोसिएशन और डॉक्टर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तबी शोबे के इस्तेहकाम के लिए फैमिली कॉन के नाम से तकरीब हुई। पर्ल कॉन्टीनेंटल होटल में होने वाली तकरीब में मारूफ एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक मंद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में डॉक्टर सईद इलाही समेत मुल्क के मारूफ और मायानाज डॉक्टरों और रिसर्चर्स ने शिरकत की। तकरीब की खास बात बैरून मुल्क से आई हुई वो शख्सियात थीं जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुहलिक बीमारियों से बचाव की मुहिम चला रही हैं। तकरीब का आगाज नन्ही बच्चियों ने कौमी तराने से किया। तकरीब से खताब करते हुए डॉक्टरों का कहना था कि छोटी सी गैर इरादी कोताही भी उनके लिए वबाले जान बन जाती है, वो भी मुआशरे का हिस्सा हैं और लोगों की खिदमत के लिए कोशां हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर समर मुबारक मंद ने कहा कि डॉक्टर मुआशरे के जिम्मेदार अफराद हैं, उन्हें अपना काम खुश असलूबी से करना चाहिए। पॉइंट हैज बीन एम्फसाइज्ड एंड ओवर एम्फसाइज्ड अबाउट द बिल दैट इज बीइंग मूव्ड इन द पंजाब असेंबली। वी आर आल्सो मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी व्हिच इज अ डिप्राइव्ड सोसाइटी व्हिच हैज नोबडी टू केयर फॉर इट। सो व्हेनेवर यू मेक लॉज, यू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट यू हैव टू वज़ीर आला टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर सईद इलाही ने कहा कि वो डॉक्टरों के हकूक के लिए कोशां हैं और जिन शिकों पर डॉक्टरों का एतराज़ है वो खत्म कर दी जाएंगी। कुछ दिनों में ये कमेटी जो अपनी शिकें नई पेश कर देगी तो इसको दोबारा स्टैंडिंग कमेटी में ले जाएंगे और बिल पास करेंगे ताकि अवाम, डॉक्टर्स, अस्पताल सबका मियार बेहतर हो और जो गफलत करे, जो किसी मरीज से गफलत या गलती से, उसको भी उसकी सलाह मिले। तकरीब में मौजूद मारूफ सऊदी इंकोलॉजिस्ट एयाज हसन ने कहा कि बैरून मुल्क से आए लोगों का मकसद डॉक्टर्स और तुलबा को मोहलिक बीमारियों और उनसे बचाव की तदाबीर से आगाह करना है। वी आर स्पेसिफिकली एड्रेसिंग नॉन क्यूरेबल डिजीजेस। द वर्क कंक्लूडेड हियर इन पाकिस्तान ओवर द लास्ट 6 इयर्स हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली in the USA, in the EU, Germany, Italy, Emirates, Japan. तकरीब में शरीक डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें मेहनत करने का सिला हौसला अफजाई की बजाय जेल की सूरत में मिलता है। डॉक्टर्स के जो हालिया मसाइल चल रहे हैं उनके बारे में थी और उनकी सर्विसेज एक्नॉलेज करने के बारे में थी और कैसे हम अपने सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। हेल्थ बिल तो है क्या, एक्चुअली ये डॉक्टर्स को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने का एक तरीका गवर्नमेंट बना रही है। अब देखें, एक डॉक्टर, एक ड्राइवर है, वो लाइसेंस लेता है, अगर उसके बाद उससे कोई, अगर कोई पैसेंजर या कोई उससे किसी बंदे की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग ड्राइविंग, तो वो उसके 302 नहीं होती। अगर एक डॉक्टर 5 साल मेहनत करके लाइसेंस लेकर अगर अपनी करता है, प्रैक्टिस करता है, तो उसके दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये क्या तरीका है? दिस इज़ नॉट फेयर। डॉक्टर्स की जो आजकल इतनी उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, एक तो इस बात में मैसेज देना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर्स के ऊपर इन्होंने 302 PPC लगाया है, ये बहुत ही नाइंसाफी है। हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतनी मुश्किल हालात में पेशेंट्स की हेल्प करते हैं, तो हमारे साथ तो ये नाइंसाफी है कि हमारे साथ इस तरह के इल्ज़ाम और इस तरह के मर्डर केसेस बनाए जाएँ। प्रोफेसर आते हैं, टीचर्स आते हैं, वो टीच करते हैं और बीमारियों के बारे में, मुख्तलिफ अमराज के बारे में बताते हैं। इससे इनडायरेक्टली फ़ायदा हमारे मरीजों को ही होता है, क्योंकि जब फैमिली फिजिशियन बेहतर तौर पर ट्रेंड होगा वो अपने मरीजों की बेहतर तौर पर खिदमत कर सकेगा और सही तरह इलाज कर सकेगा। डॉक्टरों का फ़र्ज़ है कि वो मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात दें। दूसरी जानिब हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो डॉक्टरों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ जमील मिर्ज़ा, सिटी 42।